देखिए, आज का जो मेन हेडिंग है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक वेट मॉलर मास। यानी हम बात तब की कर रहे हैं जब हम मॉलिक्यूल को जानने लगे और अब हमारी इच्छा थी कि उनके वेट पता चलें एक पार्टिकल के, और सिंगल पार्टिकल के वेट या एक मोल के वेट, मोल पार्टिकल के वेट निकालना हमारे लिए उस समय तक बहुत मुश्किल था क्योंकि हमारे पास कोई और प्रोसेस था नहीं। आप ही सोचो कि हमें कैसे पता चलेगा कि Br2 का मोलर मास 180 है। Br का एटॉमिक वेट 80 है तो Br2 का कितना हुआ, 160 है, ठीक है ना? तो हमें कैसे पता चलेगा Br2 का 160 है, 160 यानी नहीं पता चलेगा। अब आप ये मत कह देना सर आपको Br का मालूम है 80, तो इसका मतलब 160 होगा। हमें Br का भी एटॉमिक वेट नहीं मालूम था। तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग थ्योरी लेके आने लगे कि आप एटॉमिक वेट ऐसे निकालो ऐसे निकालो। तो हमने उनमें से कुछ सेलेक्टेड मेथड डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर फॉर डिटरमाइनिंग एटॉमिक मास। यानी ये हम एटॉमिक मास डिस्कस कर रहे हैं, और इसके लिए सबसे पहले आया रूल डूलॉन्ग्स एंड पेटिट्स। इसने कहा एटॉमिक वेट को मल्टीप्लाई करो उसकी स्पेसिफिक हीट। एटॉमिक वेट को स्पेसिफिक हीट से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो 6.4 के अप्रॉक्सीमेट आएगी। तो ये स्पेसिफिक हीट क्या है? इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। अगेन आई रिपीट, इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। यदि ये 1 ग्राम है तो इसका 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए वो ये है, ठीक है? तो यहाँ हमारी कुछ लिमिटेशन थी। पहली लिमिटेशन क्या है, गिव्स अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट लगा हुआ था एटॉमिक वेट, एंड इट इज एप्लीकेबल मेटल ओनली। तो ये हमारे लिए मेटल के लिए ही लग रहा था, हर एक एलिमेंट के लिए नहीं लगा रहे थे। यानी आप O2 N2 वगैरह नहीं लगा रहे थे, सिर्फ मेटल जैसे आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक इनमें लग रहा था। और दूसरा ये अप्रॉक्सीमेट भी वैल्यू दे रहा था, यानी बहुत ज़्यादा कारगर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलो एक रूल बन के आ गया कि ये है हमारे लिए, तो हम इस पे न्यूमेरिकल बना सकते हैं ना। आपको स्पेसिफिक हीट दे दी जाएगी, उसको आप कैलोरी पर ग्राम में चेंज करना ना भूलें। टेक केयर ऑफ यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है गलती हो जाए। कैलोरी दिया है पर ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। जूल दे रखा है तो कैलोरी में चेंज करो। जूल को कैलोरी में कैसे चेंज करते, तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ, जे बाई जे इज इक्वल टू सी, आपके बहुत काम आएगा। जे का मतलब एनर्जी इन जूल, एनर्जी इन जूल। जे का मतलब जूल कॉन्स्टेंट, जिसकी वैल्यू है 4.18 या 4.2 राउंड फिगर में कर लो। तो यहां आपको एनर्जी किसमें मिल जाएगी, एनर्जी गेन इन कैलोरी। तो कैलोरी में मिल जाएगा। मान लीजिए आपके पास 4.18 जूल एनर्जी है, तो डिवाइड करते ही आपके पास 4.18 यानी कितने कैलोरी आएगा, 1। तो आप 1 वहां पर रख देंगे स्पेसिफिक हीट, और एटॉमिक वेट कितना आ जाएगा, 6.4, सही है? अगर आपके पास कम है तो ये डिवाइड होगा और एटॉमिक वेट 6.4 से ज़्यादा की तरफ जाने लगेगा, कोई डाउट? तो ये एक डूलॉन्ग और पेटिट्स लॉ है, जो मेटल्स के लिए उसकी ही स्पेसिफिक हीट पता हो तो हम एटॉमिक वेट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट है। फिर आया मोलर मास के लिए, यानी कि फॉर मॉलिकुलर मास डिटर्मिनेशन। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो तो था डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक मास, अब हमारे लिए क्या हो रहा है, मोलर मास, यानी हम डायरेक्ट मोलर मास बता रहे हैं। जैसे Br2 का क्या है, जो भी सब्सटेंस है, कोई वैक्स है तो वैक्स का क्या है, कोई भी बड़ा हाइड्रोकार्बन है, डीजल पेट्रोल वगैरह वगैरह कुछ भी, उसके लिए निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस के सम नॉन वेट ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस। मान लीजिए किसी वोलेटाइल सब्सटेंस का वेट आपको W ग्राम में दिया हुआ है, W किस में होना चाहिए, ग्राम में। इस टेकन कन्वर्टेड टू वेपर, हम उसको इतना गर्म करें कि उसकी वेपर बन जाए, पक्का? तो वेपर बन जाए इसका मतलब वो, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होता उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस, आसानी से वेपर बनाने वाले, जैसे पेट्रोल, एल्कोहल एक्सेट्रा।
कलेक्टेड ओवर, फिर उसके बाद वेपर बन गया एंड कलेक्टेड ओवर वाटर, यानी हम उस वाटर के ऊपर कलेक्ट करेंगे। तो ऐसा सब्सटेंस की वेपर वाटर में डिजोल्व नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आपने HCl या H2S जैसे वेपर बनाने की कोशिश की या अमोनियम क्लोराइड की बनाई, तो ये तो पानी में डिजोल्व होने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा सब्सटेंस लेना है जो वाटर में डिजोल्व ना हो, क्योंकि हम ओवर द कलेक्ट कहाँ करेंगे, ओवर द वाटर, ये वाटर के ऊपर। अगर वाटर में डिजोल्व हो गई तो वेपर अलग से अलग ही नहीं हो पाएगी। द वे वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस ओवर वाटर इज गिवन वी, यानी यहाँ पर डिस्प्लेस करेगा और वॉल्यूम बन जाएगा, यानी कुछ इस तरह का रहता है सेटअप कि ये हमारे पास एक वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ये बर्नर से हमने उसको गर्म किया, उसकी वेपर बनी, इस वेपर को इस ट्यूब से, रबर ट्यूब से हमने जाने दिया, ये वाटर भरा हुआ है पूरा, इस वाटर के ऊपर बीकर रख दिया, उसमें भी पूरा वाटर भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही गैस ऊपर जाएगी वाटर क्या आएगा, नीचे आता जाएगा धीरे 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 करके, और ऊपर क्या बनता जाएगा, एयर। एयर किसकी रहेगी, वेपर की। वेपर किसकी रहेगी, इस सब्सटेंस की। और क्योंकि गरम गरम वेपर ऊपर जा रही है, तो हो सकता है कुछ वाटर भी वेपराइज हो जाए उसके साथ। तो ये जो वेपर बनेगी, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस जो इस सब्सटेंस की है प्लस वाटर, बनेगी बनेगी। तो यहां दो तरह की वेपर है, हमें किसकी चाहिए, सिर्फ हमें क्या चाहिए, इस सब्सटेंस की वेपर चाहिए। तो हमारे को मालूम होना चाहिए कि गिवन टेम्परेचर पर वाटर की वेपर कितनी होती है, और गिवन टेम्परेचर पर वाटर की वेपर को हम क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। तो टोटल प्रेशर हम मेजर करने के लिए यहां पर वो लगा देंगे प्रेशर गेज। प्रेशर गेज का काम होता है प्रेशर मेजर करना। जैसे आपने नहीं देखा साइकिल या मोटरसाइकिल की टायर को प्रेशर गेज से ही मेजर किया जाता है कितना एयर उसमें भरा हुआ है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, प्रेशर गेज। और उसमें से हम वाटर का वेपर प्रेशर हटा देंगे पी टोटल में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी सब्सटेंस। तो इस तरह से हमारे पास पी सब्सटेंस आ जाएगा। इस बीकर में मार्क लगे हुए हैं जिससे पता चल जाएगा कितने लीटर वेपर आई है। सपोज 0.2 लीटर आई है, तो 0.2 लीटर आ गई, हमारे पास यहाँ पर रीडिंग आ चुकी है नोजल की। तो हमें यह भी पता चल गया कि भाई इस समय यहाँ पर प्रेशर कितना है, ठीक है, हमने वो सब पता कर लिया। तो पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी हम यूज करेंगे, वी वॉल्यूम हमारे पास हो गया, डब्ल्यू वेट ऑफ सब्सटेंस हो गया जो आपने यहाँ लिया है, मोलर मास आ गया, आर आ गया, टी आ गया। टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर आपने लगा ही रखा है अलग से, जो आपको टेम्परेचर बता देगा इस जगह क्या है। तो टेम्परेचर थर्मामीटर, तो ये भी टेम्परेचर मेजर कर सकता है। तो डब्ल्यू आर टी पी टोटल माइनस पी एक्वस और वी लगा के आप पी वी इक्वल टू एन आर टी यूज करके आप मोलर मास निकाल रहे हो। आर की वैल्यू यहाँ पर गैस कॉन्स्टेंट है, 0.0821 रहेगा। पी ए टी एक्वस टेंशन है जो आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में। वी वॉल्यूम ऑफ एयर या मिक्सचर है जो आप को लीटर में पता चल जाएगा देखते ही एक्सपेरिमेंट में। यहाँ डब्ल्यू ग्राम शुरुआत में लिया है, अब धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। वेट करना पड़ेगा कि ये पूरा सब्सटेंस की वेपर बन जाए और वो उड़ के वहां चल जाए। कैसे एरर आएगी, हाँ क्यों आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ सब्सटेंस इसकी टेस्ट ट्यूब में भी रहेगा, ये रबड़ की ट्यूब में रह जाएगा जबकि हम पूरा का पूरा डब्ल्यू ले रहे हैं, तो ये एरर भी देगा कुछ ना कुछ, देने दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हमें अप्रोक्सीमेट आंसर मिलेगा इससे। या सुनो, तो यहां तक गर्म करना पड़ेगा कि पूरी वेपर में कन्वर्ट होके यहाँ आ जाए, जो कि थोड़ा मुश्किल है, पक्का। तो ये कर लीजिए आप, उतार लीजिए पूरा, इससे हमें मोलर मास मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना मोलर मास किसका मिलेगा, इस सब्सटेंस का। ये एटम एटम है या नहीं है, नहीं है ये एटम नहीं है, ये सिंपल वॉलेटाइल सब्सटेंस है, कुछ भी हो सकता है, कोई आर ओ एच, कोई बड़ा एल्कोहल भी हो सकता है, आर यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, ईथर हो सकता है, एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, कीटोन्स हो सकते हैं, बहुत सारे हमारे पास वॉलेटाइल सब्सटेंस है, ग्लीसरीन हो सकता है, ठीक है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिल्वर सॉल्ट मेथड। पहले तो ये समझिए ये है क्या, दैट मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट भिड़ते ही, इसके लिए दिस मेथड
इज यूज फॉर कैलकुलेट मोलर वेट मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. यानी हम इस मेथड से मोलर मास निकाल सकते हैं एक ऑर्गेनिक एसिड्स का. ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं देखिए ध्यान से, ये होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जिसमें CH3COOH जैसा ग्रुप दिखाई दे. ये सभी हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं. तो कहीं ना कहीं हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है, और हमारे लिए ऑर्गेनिक एसिड के लिए एक टर्म होती है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी ऑर्गेनिक एसिड है, और इसको हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें एक एच प्लस दे सकता है. ये कितने एच प्लस दे सकता है? दो. तो क्या बोलेंगे इसको? डाइबेसिक एसिड. एक हो गया मोनोबेसिक एसिड और एक हो गया डाइबेसिक एसिड्स. यानी नंबर ऑफ सी डबल एच ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड बेसिसिटी. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए की पॉइंट हो गया वापस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ सी डबल ओ एच ग्रुप इज रिप्रेजेंट बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. ऑर्गेनिक एसिड तो ये मोनो है, ये डाई है, ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है. तो आप ही मुझे बताइए कि अगर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं सी डबल ओ एच, 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 तो बताओ ये कितने सी डबल ओ एच ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको? सिक्स. तो ये क्या होगा? ये मोनो नहीं होगा, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा. इसको क्या बोलोगे आप? इस जगह हेक्सा बेसिक ऑर्गेनिक एसिड, या एसिड भी लिख सकते हो. सही है. तो इन सबका मोलर मास निकालने का ये एक आसान तरीका है, सिल्वर सॉल्ट मेथड. आ रही है बात समझ में? तो सिल्वर सॉल्ट मेथड हमारे लिए एक तरह से मेथड तो है कि हाँ ये ऑर्गेनिक एसिड का मोलर मास निकाल लेता है, लेकिन कैसे निकालता है वो हमें समझना है. तो चलिए ठीक है, हम कैसे इसको देखते हैं? सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड को हम समझते हैं कि हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होती है. ऑर्गेनिक एसिड कि हम सिल्वर आयन से रिएक्शन कराते हैं. ऑर्गेनिक एसिड की किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? सिल्वर आयन से, जिससे हमें सिल्वर सॉल्ट मिलता है. सिल्वर सॉल्ट, इस सिल्वर सॉल्ट को हम हीट करते हैं और तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सिर्फ कंटेनर में एजी ना रह जाए, बाकी सारा वेपराइज हो जाता है. तो ऑल वेपर सब्सटेंस ऊपर उड़ जाते हैं और इसको हम बोलते हैं रेसिड्यू. क्या बोलते हैं? रेसिड्यू. यानी एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे CaCCOOH है, हमने Ag प्लस के साथ रिएक्शन कराया, हमारे पास बन जाएगा CaCCOOAg, और हमने इसको गर्म किया तो हमारे पास रह जाएगा सिर्फ Ag, बाकी सब H2O CO2 सब उड़ जाएंगे. ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ये चीज रहेगी. अब भी यहां पर क्या है, ये कौन सा था? मोनोबेसिक. मोनोबेसिक अगर यहां पर डबल होता सी डबल ओ एच सी एच टू सी एच टू सी डबल ओ एच, तो हमें 2 Ag प्लस आयन की जरूरत पड़ती और हमारे पास तब आयन होता CH2 सी डबल ओ ए जी
और CH2 COO माइनस Ag प्लस, और हम यहाँ गर्म करते तो ट्वाइस Ag प्लस Ag मिलता हमारे को, बहुत ज़्यादा गर्म करते तो। सही है? तो क्या आपको लग रहा है, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे पास अगर कभी ऐसा होता कि पॉली बेसिक एसिड होता, पॉली बेसिक एसिड होता और NAG प्लस हम लेते, हमारे पास एक तरह से सिल्वर सॉल्ट बनता और हमारे पास NAG ही बाहर निकलता। बोलो सही है? यहां इनकी वैल्यू कितनी है? 1 मोनो के लिए, यहां इनकी वैल्यू कितनी है? 2, और यहां इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉली बेसिक। इनकी वैल्यू मतलब N यहां क्या रिप्रेजेंट करेगा? बेसिसिटी। यहां 2 है तो 2 जरूरत पड़ी, यहां N है तो NAG की जरूरत होगी, होगी या नहीं होगी? अब आगे तो यहां पर हमारे लिए सिल्वर सॉल्ट का मोलर मास क्या होगा वो हमें देखना है। चलिए ठीक, पहले तो मैं एक बार समझा दूं कि ये है क्या। शुरुआत से सिल्वर सॉल्ट मेथड इज एप्लीकेबल फॉर डिटरमाइन द मॉलिकुलर वेट ऑफ एक ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड। दिस मेथड इज यूज फॉर कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड होते हैं जिनमें COOH ग्रुप होते हैं। COOH ग्रुप 1 है तो मोनो, 2 है डाई। नंबर ऑफ COOH ग्रुप इज प्रेजेंट बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। तो हमारे पास नंबर ऑफ COOH ग्रुप जितने भी हैं वो उसकी बेसिसिटी शो करेंगे। ये हेक्सा बेसिक एसिड है, कोई पेंटा हो सकता है, कोई टेट्रा हो सकता है, कोई डाई हो सकता है, कोई मोनो भी हो सकता है। अब बात आती है रिएक्शन कौन सी है इसमें, यानी रिएक्शन क्या वर्क करेगी इस पूरे प्रोसेस में। तो रिएक्शन होगी ऑर्गेनिक एसिड, सिल्वर मिलाया, सिल्वर सॉल्ट बना, सिल्वर सॉल्ट को गर्म किया, Ag बन जाएगा। एग्जाम्पल लिया CaCCOOH, Ag प्लस बनाया CaCCOO माइनस और Ag प्लस बना, गर्म किया, Ag आ गया। ये हमारे पास मोनो था, ये डाई बेसिक था, ये डाई बेसिक को करा तो 2 Ag प्लस की जरूरत हुई और हमारे पास ये सॉल्ट बन रहा है और 2 Ag ही बन रहा है। पोली के लिए NAg की जरूरत होगी, सॉल्ट बनेगा और NAg ही बाहर निकलेगा। कोई दिक्कत आ रही है इसको समझने में? नहीं है। तो अब मुझे यहाँ पर एक बैलेंस करते हुए N की वैल्यू अगर दी जाए तो मुझे मोलर मास निकालना है, किसका? सिल्वर सॉल्ट का, और उसकी सहायता से हम किसका मास निकाल लेंगे? ऑर्गेनिक एसिड का। चलिए कैसे, तो हम बात करते यहां पर, एज्यूम करिए, एज्यूम दैट मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज MWT, MWT है ऑर्गेनिक एसिड का। तो आप मुझे बता सकते हैं देन मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट कितना हो जाएगा? सिल्वर सॉल्ट कितना दिखाई देगा, विल बी कितना होगा? देन मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट विल बी, तो आपको यहां पर क्या दिखाई देगा? देन मोलर मास ऑफ सिल्वर सॉल्ट विल बी, तो मेरे लिए यहां पर सिल्वर सॉल्ट के लिए होगा, देखिए जो ऑर्गेनिक एसिड का मोलर मास है वो MWT है ऑर्गेनिक एसिड का, पक्का? इसमें से कितने हाइड्रोजन निकले? N, और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, पक्का? उसके जगह कौन आया? सिल्वर आए, सिल्वर कितनी आई? N, और हर एक सिल्वर का एटॉमिक वेट कितना है? 108। तो ये हो जाएगा हमारे लिए MWT माइनस नहीं प्लस 107N। ये मोलर मास किसका होगा? सिल्वर सॉल्ट का। बोलो यस और नो। और एक और खास बात जो हमारे लिए होती है इंपॉर्टेंट पॉइंट,
हम यहां से निकालते हैं बैलेंसिंग से, सिल्वर सॉल्ट का अगर वेट दिया हुआ है तो एजी का वेट क्या होगा? आप ही बताइए, वेट ऑफ एजी कैसे निकालोगे जो बचा हुआ है कंटेनर में रेसिड्यू? आप अच्छे से कर सकते हो, वेट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्ट इनटू एन बाय वन, एन बाय वन लगा दिया आपने, मल्टीप्लाई बाय 108 मास ऑफ सिल्वर। तो क्या इससे एमडब्ल्यूटी निकाल सकते हैं हम? हाँ, वेयर डब्ल्यू ए जी, ये हमारे लिए डब्ल्यू है, वेयर एन क्या है यहां पर, बेसिसिटी ऑफ, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। बस बाकी तो सब चीजें मेंशन है ही, तो आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो ये पूरा आपके लिए हो गया सिल्वर सॉल्ट मेथड, लिखिए इसको।